इराक से पहुंचने वाला जो सरहद था वहां से रूक दिए गए हैं। अब इराक से आने वाले उस सरहद के पास जाते हैं, कहा कि संदूक में कहा कुछ सामान था डाल दिया गया। नबी कायनात वालिये मक्का की खाब में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं अब्दुल रहमान जामी आ रहे हैं, वजह है कोई खता नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, जेल में डालने की जरूरत नहीं है। वालिये मक्का कहने लगे या रसूलल्लाह आपने फरमाया था कि उन्हें रोक दो। कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं कहा था कि रोक दो, मैंने तो इसलिए कहा था रोकने के लिए कि वो जो नात लिखकर मेरी बारगाह में सुनाने के लिए आ रहे थे, मैं वो नात अगर वो आकर मेरे रोजे के सामने पढ़ते तो मुझे खुद बाहर आना पड़ता उनसे मुसाहबा करने के लिए, इसलिए मैं उन्हें रोका था। ऐसे नबी की इश्क में हम और आप जमा हुए हैं। वह हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी आप रोज़े रसूल के हक में हाजिर हुए और आखिरी मुलाकात करके यानी रोज़े रसूल पर सलाम पेश करके जब जाते तो आवाज आती रोजे से, मज़ारे अक़दस से आवाज आती, क्या आवाज आती? सलामत रही बाज आई, अब्दुल रहमान सलामती के साथ जाओ फिर वापस आना। 70 मरतबा आपको यही खबर आएगी।